हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे आई होप। तो भाई, हमारी ये जीएस बूट कैंप फॉर सीजीएल मेंस जो स्टार्ट कर रखा है, इसका ये फोर्थ पार्ट आज है और थर्ड पार्ट हम लास्ट क्लास तक करा चुके हैं, आपने देखा होगा आई होप। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा? त्रिपुरा में कौन सा फेस्टिवल है जो इनमें से मनाया जाता है? अच्छा, आपको जो हमारे स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं, जो स्टैटिक जीके का चैनल पे प्लेलिस्ट देखना आप खोल के, स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं, उसमें आपको फेस्टिवल्स करा चुकी हैं तनु मैम। तो वहाँ से हर एक चीज़ को अच्छे से आप रिवाइज करो और फिर इसका आंसर देना कि कौन सा फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, इनमें से जो त्रिपुरा में मनाया जाता है वो है करछी पूजा। करछी पूजा में जो है, ये 14 हमारे देवी देवता होते हैं जो उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये है, आप देख रहे हैं फोटो, करछी पूजा फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। अब बाकी क्या है हमारा, वंगला, ठीक है, कंगचिंगबा और बिहू, ये कहाँ मनाए जाते हैं? बिहू का तो आपको पता है असम में मनाया जाता है बिहू, ठीक है, बिहू असम में मनाया जाता है। और जो है कंग फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, और जो हमारा ये मेघालय में मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल, ठीक है, मेघालय में मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है। और कंग कहाँ मनाया जाता है आपका? कंग फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है। तो भाई, स्टैटिक जीके से फेस्टिवल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे से रिवाइज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पीना, इसे पीना बोलते हैं, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये कौन से स्टेट से रिलेट करता है ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कौन से स्टेट से करता है? देखो, सिक्किम, केरला, गोवा या मणिपुर। ये मैम हैं जो, इनके चेहरे से आप पता लगा सकते हो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ये करता है भाई हमारे मणिपुर से, ठीक है, पीना इंस्ट्रूमेंट कहाँ से? मणिपुर से। अब ये क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज सितार प्लेयर, इनमें से कौन सा सितार प्लेयर है? देखो अच्छे से, कौन सा सितार प्लेयर है इनमें से है? जो ये शाहिद परवेज सर जी हैं, ये हैं सितार प्लेयर हमारे, अभी देखते हैं। और ये हैं शाहिद परवेज जो हैं वो ये हैं, ठीक है, ये हमारे सितार प्लेयर हैं। और दूसरे हैं शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते हैं, ये हैं शिव कुमार शर्मा, ठीक है। सुल्तान खान ये हैं, ठीक है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। और ये हैं हमारे शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंपारण मेला, चंपारण मेले के बारे में, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़? ये छत्तीसगढ़ की कौन सी सिटी में जो चंपारण मेला लगता है? चंपारण मेले के बाद मैं आपको बता दूं, इस मेले को जो ज़्यादातर जो वैष्णव लोग होते हैं वो अटेंड करते हैं इस मेले को। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी है जो रायपुर, वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप चंपारण मेला, चंपारण मेला इज द फेयर दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। दिस फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ आर रिफ्लेक्टिव ऑफ एथनिक एंड रस्टिक कल्चर ऑफ द लोकल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, मेनली ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। चंपारण मेला इज पार्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन रायपुर, रायपुर जो स्टेट कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। चंपारण मेला इज फेस्टिवल इज एक्चुअली अ फेयर दैट इज ऑर्गेनाइज एट द प्लेस कॉल्ड चंपारण, ठीक है। अभी मैक्सिमम इसमें क्या होते हैं, देखो मैंने आपका बताया था, दिस कल्चरल फेयर ऑफ चंपारण इज वेरी पॉपुलर, मेनली द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णव रिलीजन विजिट द चंपारण मेला। याद रखना भाई, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है चंपारण? रायपुर में सेलिब्रेट होता है ये, चंपारण नाम की जगह पे, ठीक है, चंपारण मेला। और इसको मैक्सिमम वैष्णव लोग जो हैं अटेंड करते हैं। हरिसेन वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ, हरिसेन किनके कोर्ट पोएट थे भाई? किनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन? बहुत ही गुप्ता रूलर जो थे ये, समुद्रगुप्त
गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे समुद्रगुप्त, उनके कोर्ट पोएट थे, ठीक है। समुद्रगुप्त बहुत ही फेमस रूलर थे, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन इंडियन हिस्ट्री, नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर्स ही वेज्ड। ही वाज द सन ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, एंड ही कंसिडरेबली इंक्रीज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ हिज डायनेस्टी। समुद्रगुप्त वाज अ स्किल्ड वीणा प्लेयर, ये एक स्किल्ड वीणा प्लेयर भी थे, ठीक है। और इन्हें कविराज के नाम से, किंग ऑफ पोइट्स के नाम से भी जाना जाता था। अभी जो हरिसेन थे वो इनके कोर्ट पोइट थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार तो जो ये थे ना चाणक्य के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पुत्र थे बिंदुसार, फिर इनका पुत्र अशोक था, ठीक है। किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। जो हर्षवर्धन राजा थे उन्होंने अपने किस भाई की डेथ पे जो थी, जो थ्रोन थी, राज पाठ था, जो अपने ऊपर ले लिया था, कौन थे वो? वो थे राज्यवर्धन, ठीक है। ये देखो, किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धन, ठीक है। हर्षा असेंडेड द थ्रोन विद द कमेंसमेंट ऑफ द 7th सेंचुरी अराउंड 606 एडी। बाय 612 एडी हर्षवर्धन कंसोलिडेटेड हिज किंगडम इन नदरन इंडिया। ये भाई हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अभी मेन जो है वो कौन सा भाई था उनका, वो था राज्यवर्धन था, ठीक है। अभी इनके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर भी आए थे ह्वेनसांग, जो इनके टाइम पे आए थे, इंडिया में विजिट किया था, जिन्होंने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था? वो था ह्वेनसांग। अ टाइप कोर्ट कॉल्ड कंतक शोधना वास प्रिविलेंट इन एम्पायर। मतलब एक कोर्ट टाइप होता है कंतक शोधना, ये किसके एम्पायर में, किसके टाइम पीरियड में था ये बताना है हमें। तो ये था हमारे मौर्यन टाइम पीरियड में था। ये मौर्यन टाइम पीरियड में क्या था, कौटिल्या ने जो थे दो टाइप के कोर्ट बनाए थे। एक तो बनाया था उन्होंने धर्म अस्तियास, जो डेल्ट विद सिविल मैटर्स, जो सिविल मैटर्स के साथ डील करते हैं, और एक बनाया था कंतक शोधना जो डील विद क्रिमिनल मैटर्स, मतलब जो सिविल मैटर्स के साथ डील करते थे उस कोर्ट को बोलते थे ये, और जो क्रिमिनल मैटर के साथ डील करते थे उसे बोलते थे कंतक शोधना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य। अगला क्वेश्चन है, इन द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज बंदगन। बंदगन दिल्ली सल्तनत में किसे बोलते थे, जो मतलब जो दिल्ली सल्तनत में क्या था, स्पेशल स्लेव्स बुलाए जाते थे मिलिट्री पर्पज से, मिलिट्री सर्विस के लिए, उन्हें बोलते थे बंदक, ठीक है, बंदगन। स्पेशल स्लेव्स बोट बाय दिल्ली सल्तनत फॉर मिलिट्री सर्विस वर कॉल्ड बंदगन। दे वर ट्रेन टू ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजिशंस इन द किंगडम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जो ये था खलजी और तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशन। स्लेव एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर्स बट नॉट टू देयर हायर्स। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। जो एक भाई दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत का तो आपको बताई है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, देख लेना आप। सबसे पहले हमारी आती है जो गुलाम वंश आता है हमारा, गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक गया, फिर खिलजी डायनेस्टी हमारी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोदी डायनेस्टी। मेडाइवल हिस्ट्री को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहले अरेबियन अटैक होते हैं उनके बारे में बताया गया है, जो
ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का डिस्कशन होता है, और फिर होता है जो बाबर हुमायूं वाला पीरियड है। इन तीन टाइम पीरियड में जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री बटी हुई है, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से रिवाइज करना। बाय विच ब्रिटिश स्टेट्यू वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड सीट फॉर इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, वो कौन सा काउंसिल एक्ट था जिसमें जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स को बढ़ा दिया गया था, कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था वो। ठीक है भाई, इसमें क्या था 1892 वाले काउंसिल एक्ट में, जो हमारे सीट्स हैं असेंबली की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उन्हें इंक्रीज कर दिया गया था, उसका साइज बढ़ा दिया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। कौन से साल में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी भाई? तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो इंडिया की पॉलिटिकल मुद्दों पे एक शांति बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, जो कुछ इंडिया के लीडर्स और कुछ अंग्रेजी शासकों के बीच थी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ताकि कुछ चीज़ें मेंटेन रहे, पॉलिटिकल चीज़ें आराम से चलती रहे। ये हुई थी 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये है बगमारा पीचर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये बताओ भाई, ये कहाँ लोकेटेड है जो बगमारा पीचर प्लांट, ये देख रहे हो, ये बगमारा पीचर प्लांट है, यहाँ कोई भी इंसेक्ट आता है ये उसे ट्रैप कर लेता है, ये कहाँ लोकेटेड है? जल्दी से आंसर दो इसका, और थोड़ा बहुत पानी भी पी लो बीच में। ये है भाई लोकेटेड मेघालय में है। ठीक है, पानी पीते रहना चाहिए भाई, बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहती है, चेहरे पे ग्लो बना रहता है। हर क्लास में हर बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ, पानी पिया करो और सारी बीमारियों से बचे रहोगे। ठीक है, शरीर है तो सब कुछ है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया, इनमें से कौन सा प्लेट्यू है जो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है? देखो भाई, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड, मालवा, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब कौन सा है जो सिचुएटेड नहीं है? वो है मैकाल। नेक्स्ट चलते हैं। द लाइज अबो द मेसोपॉज एंड इज अ रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। मेसोपॉज के ऊपर वाला रीजन जहां टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है, कौन सा है? देखो, ये मेसोस्फीयर है, यहाँ मेसोपॉज आ जाता है। ठीक है, अभी ये मेसोपॉज के ऊपर क्या है? थर्मोस्फीयर है, जहाँ क्या होता है, टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, और हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर ये आपको बार ग्राफ पे शो कर रखा है, ध्यान रखना। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, यहाँ मेसोपॉज आ जाता है, फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या है आपका? थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। किसको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है? ये कहा जाता है जो हमारे ये हैं जेम्स हटन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अच्छा भाई, एक चीज़ आप याद रखना, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जरूर याद करके जाना। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन्वेंशन पे या किसी की खोज किसने की, इन चीज़ों पे। ठीक है, एक क्लास आपकी स्पेशल क्लास इसकी करवा ही देंगे, जिसमें सारी चीज़ों का ये पता चल जाएगा किसकी खोज किसने की है। ठीक है, जो जेम्स हटन है, इन्होंने ये फादर ऑफ मॉडर्न जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट विल आर डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्वेश्चन बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, इक्विलिब्रियम प्राइस विल कॉन्स्टेंट, समटाइम प्राइस विल राइज एंड समटाइम प्राइस विल फॉल। जल्दी आंसर दो भाई इस चीज का, क्या आंसर होगा इस चीज का? इसका आंसर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट फाइव ईयर प्लान। पहला, अच्छा
इसका जो है भाई इसमें से बताना है कि प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस चीज़ को रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो है 5 ईयर प्लान, और सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है सैलरीज एंड पेंशन। क्या आंसर है इसका? आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पहला आंसर है इसका ओनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान। विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। जो टाइड्स उठते हैं भाई मून एंड सन की वजह से, ठीक है, टाइड्स लहरें जो बनती हैं वो कौन से लॉ पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया और रिफ्लेक्शन, ये तो आपको पता ही होगा ना। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रेविटी इज वन ऑफ द मेजर फोर्स दैट क्रिएट्स टाइड्स, ठीक है। इन 1670, याद रखना भाई, टाइड्स जो लहरें होती हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बनती है। इन 1687 सर इसैक न्यूटन एक्सप्लेन दैट ओशियन टाइड्स रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून ऑन द ओशियन ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी ये बाकी जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इनर्शिया ये यहाँ लिख रखा है, ये भी साथ साथ पढ़ लेना। और ये PDF आपको मैं बताई देती हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे PDFs जाती हैं ये सारी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको डेली वहाँ 25-25 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, ठीक है। और आई एम मेक श्योर कि आपके इनमें से क्वेश्चन बन के जरूर आएंगे, क्योंकि मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब कराने वाली हूँ, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा पुलिस वाला के नाम से, उसे ज्वाइन करो आप, ठीक है। और फिर भी आपको जो है या लिंक वगैरह या कुछ भी फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ होती है तो इस चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो, वहां से आपको ये PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय। अच्छा भाई, इसका आंसर बताओ आप क्या होगा। पावर का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वर्क एक्सेलरेशन का तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कवर करके गए, इसे डिस्टेंस में लेंगे, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव? एम शेल आपको पता है ना, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के शेल होते हैं KLMN। तो पहले शेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में M में जो होते हैं कितने होते हैं? 18। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स M शेल में कितने होते हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? इनमें से कौन सा है जो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? देखो भाई, डायमंड है, ठीक है, लॉन्सडेलाइट है, ग्रेफाइट है, ये कौन सा है? ट्राइसल्फर नहीं है, ट्राइसल्फर जो है कार्बन का एलोट्रॉफ नहीं होता। देखो ये है ट्राइसल्फर, ठीक है, ये डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, और ये है लॉन्सडेलाइट, ये जो पहले नंबर पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये डायमंड आपको नजर ही आ रहा है, ये है ट्राइसल्फर, ये कार्बन का एलोट्रॉफ नहीं होता। व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोसोम्स ऑफ आ पॉलीजोम? इसमें बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आंसर के लिए छोड़ती हूँ, इससे पता चलेगा आप वीडियो कितने अच्छे से दे रहे हो। और अगली क्लास में मैं इसका आंसर खुद भी आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कितने बच्चों ने कितने अच्छे से आंसर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिली कंटेन DNA अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस? इनमें से DNA कौन सा जो है DNA होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो DNA है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये सेल के किस किस पार्ट में होता है? ये होता है हमारे न्यूक्लियस में, प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये इन तीन चीज़ें जो है ये DNA कंटेन करती हैं, याद रखना आप इस बात को। Recently, who has become the new ambassador of America in India?
ये बताओ भाई इसका आंसर क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है एरिक गर्सेटी। ये जो न्यू एम्बेसडर बने हैं अमेरिका के इंडिया में वो कौन है? एरिक गर्सेटी। अभी देखो फ्लैगशिप पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना भाई स्कूल्स में चलाई गई है, ठीक है? ये किसने चलाई है? स्कूल में कौन चलाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री, याद रखना इस बात को भी। जो पीएम श्री स्कूल राइजिंग जो स्कूल योजना है, ठीक है, नर्चरिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्टेड विद 21st सेंचुरी स्किल्स, मतलब इसमें मोर देन 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू बी अपग्रेडेड एंड डेवलप्ड, ठीक है। इसके अंदर जो 14,500 गवर्नमेंट स्कूल हैं कंट्री के अंदर, उनको अपग्रेड और डेवलप करने के लिए ये जो है पीएम श्री योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। ये आपको पता है बिपिन रावत, इनका तो आपको अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। इनकी एक बुक लिखी है, ये किसने लिखी है ये बुक, ये बताओ आप मुझे। इन पे एक बुक लिखी गई है, वो किसने लिखी है ये बताओ, जल्दी आंसर करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, जो बिपिन रावत थे ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के, ठीक है। इस पे जो बुक लिखी है वो लिखी है रचना विस्वात रावत ने, इन मैम ने जो है इन पे बुक लिखी है। ये बहुत ही अच्छी राइटर हैं। ये बेसिकली हमारे जो मोटिवेशनल और हमारे सोल्जर्स पे बुक लिखती हैं, ठीक है। अभी आज का जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सेशन, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, वो क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन ये था आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। वीडियो आपको पता ही है, आपकी हर डेली वीडियो आ जाएगी आपकी, 1 बजे डल जाती है वीडियो, तो जरूर देखनी है, ठीक है। ये 25-25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज करके हम 2000 से 2500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।